तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है इसके कुछ डिमेरिट पे, जो प्रोज एंड कॉन्स जैसे हम लोग कहते हैं जिसे, तो इसके आज कुछ डिमेरिट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा माइनर नहीं है बट फिर भी हमें उस पर बात करना ज़रूरी है। तो आप भी सोच रहे हो कि आप इस कार का इतना सपोर्ट करते हो, मतलब इस पर इतना वीडियोस बनाते हो आप, ये उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो। तो भाई बात ऐसा है कि कुछ भी अगर आप लेते हो ना, तो ज़रूरी नहीं उसका सारा कुछ ही मतलब ऐसे परफेक्ट हो। उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। इशू जो अब लग रहा है कि इसमें आ रहे हैं कि ये भाई, ये मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग टाइप का भी लग रहा है अब। ओ, मेरा पीछे का विंडो खुला हुआ है, तो पहले इसे लगा लेते हैं। पता नहीं कैसे खुला रह गया ये। और इसमें यही इशू है भाई कि, और इसमें पावर विंडो नहीं है तो बहुत दिक्कत भी होता है, बट कोई नहीं, अब इतना में इतना इंच मिलेगा वाला बात है। खैर इसे सीधा कर दें। तो इसका पहला इशू का बात करते हैं, जो मतलब ऐसे अभी आ रहा है और इसका आइडिया भी नहीं लग रहा है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप जब विंडो को डाउन करते हो ना, तो स्टार्टिंग के टाइम पे और अभी के टाइम पे दोनों पे डिफरेंस आपको पता है। जब आप स्टार्टिंग में विंडो को डाउन करते हो तो इस पर नॉइज़ ना के बराबर होता है, बट अभी आप देखो, मैं आपके सामने पे डाउन कर रहा हूँ और सुनना आप बस। भाई ऐसा आवाज़ कर रहा है, लग रहा है कोई जनरेटर चला दिया ऐसा। और इसके कोई मोटर में इशू नहीं है भाई, इसके मोटर में इशू नहीं है। जो ग्लास होती है ना, जब डस्ट या फिर इसके चक्कर में रफ़ हो जाती है, तो उस चक्कर में ये मतलब जिस चीज़ से भी ये टच होके नीचे जाती, वो उसमें टच होते होते ना, वो एक मिट्टी के चलते हो गया ये। और खासकर जब बारिश के टाइम पे आपकी ग्लास वेट हो जाता है, गीले रहते हैं, उस टाइम पे भी ज़्यादा ये दिक्कत करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अनोइंग भी है और थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। बात करें इसके दूसरे डिमेरिट के बारे में, जो आपको मिलता है अगर आप अकेले चलते हो, तो ये आपको थोड़ा सा इशू देता है भाई, कि आपको बैलेंसिंग कार आप पूरा अच्छे से कट नहीं कर सकते हो। मान लो आपको टर्न लेना, तो आप चाहोगे कि अरे भाई भगाओ या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। और अभी सिग्नल ग्रीन है, तो भाई हम सोच रहे हैं निकाल लें। तो लेट्स गो। और यहाँ पे सब सिग्नल ट्रैफिक रूल भी फॉलो करने लगे, जो कि यहाँ पे कोई नहीं करने वाले थे, कोई नहीं करते थे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, दो पॉइंट हो गए। बाकी इसके तीसरे इंफोटेनमेंट पे आते हैं, जो कि भाई आप टॉप मॉडल ले रहे हो, कुछ खासियत के चलते ही ले रहे हो, अब आप उसमें भी मतलब ऐसा कर दोगे कि इसमें आप वो चीज़ ही फंक्शन ही नहीं दोगे, तो फिर मतलब ही नहीं बनता है आपको लेने का। तो वही चीज़ बात है, वही बात है इसमें। और इशू क्या है ये भी जान लो आप, कि जब आप म्यूज़िक प्ले करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, इसमें आप वीडियो नहीं चला सकते हो, ठीक है। दिक्कत ये है, इसमें वीडियोस नहीं चलते हैं, चाहे जो हो जाए इसमें वीडियो नहीं चलेंगे। यूट्यूब कनेक्ट भी होता है तो यूट्यूब म्यूज़िक होता है, वीडियो चलाना आपको तो आपको कार म्यूज़िक कार प्ले का इंस्टॉल करना होगा ऐप, उसके बाद आप चला सकते हो। मतलब ऐसे कुछ भी आप चाहोगे कि भाई हम इसमें डाउनलोड करके मतलब चलाएं। और मतलब चलो ठीक है, सेफ्टी के मामले में होता है कि कार में जब आप ड्राइव करते रहते हो तो वीडियो पॉज हो जाता है, ठीक है, वो चलो वो ठीक है, वो समझते हैं, वो सेफ्टी के लिए। बट जो बैठा हुआ है पैसेंजर है, जो साथ में जा रहा है, वो तो देख सके कम से कम, उस पर भी तो सोचना चाहिए। अगर आप यही क्रैक वर्जन या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो कहीं ना कहीं से, तो आप इसमें प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप मेरा एक वीडियो देखोगे जिसमें हम इंफोटेनमेंट का अलग स्पेशल वीडियो बनाए थे, और उसमें आराम से यूट्यूब भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, और वीडियो भी प्ले करके दिखाए हुए हैं आपको। और भाई एक कैमरा देख के अजीब सा रिएक्शन दे रहा है, और क्या ही बोला जाए इस पर, वो पीछे ही है अभी। और चलिए चलते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जो है हमको लग रहा है इसमें थोड़ा सा इशू, मतलब ये दिक्कत ही है एक तरीके से,
आप देख सकते हो, मतलब जब आप इतना पैसा मतलब दे रहे हो, इससे बेटर है कि आप VXi ले लोगे। VXi प्लस लेने का बस रीज़न ही यही है कि इंफोटेनमेंट मिल जाता है, थोड़ा बहुत और फंक्शंस मिल जाते हैं। सो ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को। और बात करें इसके अगले पॉइंट का, तो वाइपर को लेके, वाइपर का क्वालिटी अब जाके मुझे पता चला। मैं इधर आपको बता दूँ कि कुछ टाइम पहले मैं बारिश में अच्छा खासा चलाया था, तो उसमें क्या हुआ कि वाइपर का स्पीड मैंने फुल पे किया था, जो एकदम ऐसे 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 हो रहा था, और उस टाइम पे ही क्या हुआ कि रबर इसका बेंड होने लगा था। जो लास्ट वीडियो आपने देखा उसके बाद का बात है ये, तो बेंड होने लगा। तो भाई इतना जल्दी ये सब इशू आना, मतलब ये सब इशू आना सही नहीं है। तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी बॉडी पे अगर आप सुधार कर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको ना इसके मटेरियल वाली चीज़ पे भी आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। और ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये मैनेजेबल है, बाकी ये सब सही है। स्पेशियस तो है, मतलब ओवरऑल चार आदमी के लिए काफ़ी स्पेस इसमें मिल जाता है, और बाकी सब ठीक ही लग रहा है हमको इसमें। बस यही था, जो कुछ कमी इसमें जो था वो आपके साथ शेयर की है। छोटा मोटा जो भी इश्यू होता है यही है, बाकी इसमें कोई सीरियस चीज़ नहीं है। शुरू से हम बोले हैं, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से बोल रहे हैं कि कार में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो उस चीज़ को समझते हुए ही बोले होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बोल देंगे भाई, तो ये चीज़ समझना होगा आपको भी। कुछ भाई का कमेंट भी आता है कि आपकी कार से नॉइज़ आ रहा है, रैटलिंग नॉइज़ आ रहा है, ये आ रहा है, जो कि इधर कहीं इधर से आ रहा, आप देख सकते हो सीट बेल्ट जिधर से है ना, इधर इस साइड से भी आता है थोड़ा बहुत। तो ये देखो आप समझ रहे हो, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ भी मैटर करता है, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉइज़ जो भी है इससे भी आता है, बाकी थोड़ा बहुत पीछे से भी आ रहा है, और मतलब ये सब ठीक है, ये सब आप ठीक करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा, बस नॉइज़ किधर से आ रहा वो पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो सीट बेल्ट आगे पीछे घिसता है तो उससे भी नॉइज़ आता है, चाहे आप कोई भी कार चला लो, ऐसा नहीं है कि बस इसी में ऐसा होता है। तो यही है, बाकी होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।